आईपीएल का 10वां मैच आरसीबी और केकेआर के बीच खेला गया। इस मैच में केकेआर की टीम टॉस जीतकर पहले आरसीबी को बैटिंग के लिए बुलाया। आरसीबी टीम के लिए विराट कोहली ने बहुत ही खतरनाक शुरुआत करी। कोहली ने इस मैच में 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 83 रन की बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। इसके साथ ही कैमरामैन ग्रीन ने भी 33 रन का योगदान दिया। इन दोनों की पारी के चलते आरसीबी टीम ने 20 ओवर में 182 रन का टारगेट खड़ा किया। 183 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए केकेआर की टीम मैदान में उतरी। केकेआर के लिए फिन साल्ट और सुनील नारायण ने बहुत ही जबरदस्त शुरुआत करी। फिन साल्ट ने 30 रनों का योगदान दिया जबकि सुनील नारायण ने 5 छक्कों की मदद से 47 रन का योगदान दिया। और इनकी पारी के बाद में वेंकटेश अय्यर ने भी 4 छक्कों की मदद से 30 गेंदों में 50 रन की जबरदस्त पारी खेली और बाकी बचा हुआ काम श्रेयस अय्यर ने कर दिया। श्रेयस अय्यर ने 39 रन का योगदान दिया जिसके कारण केकेआर की टीम यह मैच 7 विकेट से जीत गई। केकेआर ने यह मैच 3 ओवर पहले जीत लिया और केकेआर के लिए सुनील नारायण ने इस मैच में बहुत ही अहम भूमिका निभाई जिसके लिए सुनील नारायण को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अभी हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।